संस्कृत चैप्टर नंबर 3 आलस का था, चैप्टर का नाम है जो संस्कृत चैप्टर में है क्लास 10 का। और इसी तरह से सारा ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हर चैप्टर को बारी बारी से इस तरह से करवा देंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला एग्जाम में। अच्छा, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो ये देखेंगे हम चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं आलस कथा, लेखक है विद्यापति। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि आलस कथा का रचयिता या लेखक कौन है, तो आप आंसर दीजिएगा विद्यापति। और इससे पहले यह बताना चाहेंगे, इस तरह से अगर वीडियो पाने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल है एक के टीचिंग, बस इतना सर्च कीजिएगा मेरा यूट्यूब चैनल, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इस तरह से वीडियो पर आप हर चैप्टर का बारी बारी आपको यूट्यूब पर चैनल मिल जाएगा। तो चैप्टर पढ़ रहे हैं आलस कथा, लेखक है विद्यापति। पहला क्वेश्चन देखेंगे, आलस कथा पाठ का लेखक कौन है, तो आप आंसर बताइएगा विद्यापति। दूसरा क्वेश्चन कहेगा, विद्यापति कौन थे, तो मैथिली कवि थे। तीसरा क्वेश्चन है, मिथिला के मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर। तीसरा है, आलसी लोग कितने थे, अगर पूछेगा ये जो आलस कथा के चैप्टर में कितने लोग आलसी थे, तो बोलेंगे 4 लोग आलसी थे। मूर्ख लोग क्या देखकर भाग गए थे, तो आग को, अग्नि को देखकर भाग गए थे। छठा क्वेश्चन है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए थे, तो बताइएगा धूर्त लोग। अगला है, आलसशाला में आग किसने लगाया, तो आप बताइएगा आलसशाला में आग किसने लगाया, तो आलसशाला के कर्मचारियों ने। काहला आग लगाया था, तो एक जो आलसी लोग था उसको चेक करने के लिए कि ये सही में ही मतलब अनाथ ये सब था। अगला क्वेश्चन आठवां, आलसशाला में आग कब लगाई गई थी, तो रात में लगाया गया था। मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो आप बताइएगा आंसर में विद्यापति। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु। ग्यारहवां क्वेश्चन देखेंगे, वीरेश्वर कैसा था, तो हम पहले ही बता चुके थे दानशील था, स्वभावशील था। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो मिथिला के मंत्री थे, यानी राजा था ये। इसका काम क्या था कि सभी को भोजन फ्री कराता था, गरीब अनाथ को भोजन करवाता था फ्री का, कपड़ा भोजन सब यही चीज देता था। आगे है, बनावटी आलस्य को देखकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, धूर्त लोग, यानी झूठो मुठो बनाए था कि हम भी अनाथ हैं, गरीब हैं, आलस हैं, तो वो झूठो मुठो खाना खाने के लिए धूर्त लोग ये बहाना काट लेता, बनावटी आलस बना था। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, आप बताइएगा, केस पकड़कर कहा कि जब आग लगा गया तो सभी लोग वहां से घर से भाग गए, लेकिन 4 लोग रह गए, उसी घर में रह गया, तो मंत्री ने सभी को केस पकड़कर बाहर किया उसका। तीन, अपने भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता है, तो बोलिएगा आलसी। सही बात है कि आलसी अपना भूख को मिटाने के लिए भी कुछ नहीं करेगा, आराम से खाना पीना मिल जाएगा, घर पे ही सोते रह जाएगा, तो इसका भी वही काम था चारों आलसी का। आलसशाला पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है, तो मानव गुण का, यानी मानव के गुण का वर्णन किया गया आलस के बारे में। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे, तो वीरेश्वर था, मिथिला के मंत्री था, राजा थे। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, तो आप बोलिएगा आलस। आलस सही बात है कि आलस जो व्यक्ति में आलस है वो आगे बढ़ने का संभव है ही नहीं, आगे बढ़ सकता है। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, आलसियों को परीक्षा लेने के लिए, काहे परीक्षा लेने के लिए कि उसमें 4 लोग ऐसे थे कि झूठ बहाना करके उस आलसशाला में रहते थे, झूठ कहते थे कि हम अनाथ हम आलस ये सब था, तो उसी को परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाया गया था। आलसशाला पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, तो आलस का वर्णन किया गया है। आलसशाला में आग कब लगाई गई थी, तो जब सब लोग सोने के लिए जा रहे थे तो उस समय आग लगाया गया। आप इसी तरह से वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जो पहले बता चुके हैं एक के टीचिंग, हर चैप्टर का आपको इस तरह से वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा।